मैं चैलेंज करता हूं उनको कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के साथ हमारे साथ वो कर ले डिबेट किसी एक रोड में। फिर वो कहते हैं कि कोटा, कोटा की बात करते हैं, माइग्रेशन की बात करते हैं, आप मुझे रोड में बताइए। और जम्मू में इतने बरसों रहने के बाद भी जम्मू के चप्पे चप्पे को नहीं जानता। मैं चिरागी सिर्फ एक बात कहता हूं कि इलेक्शन के बाद आप एक रात वो बता दीजिए जो आप जम्मू में गुजारे हैं जम्मू लोगों के साथ, सिंगल नाइट। जम्मू के 3 माइलस्टोन हमें बता दीजिए कि आपने जम्मू के लिए किया। वही मैं बताया आपको, जनता नहीं रो रही थी, वो उनके कार्यकर्ता थे जो अनाथ अपने आप को फील कर रहे हैं कि वो चले जा रहे हैं, वो किसके साथ जाएंगे। अच्छा, उनके कार्यकर्ता हैं, वो उनके कार्यकर्ता थे, वो कहां जाएंगे बेचारे। तो बेचारा अपना सर्वस्व देता है ना, फिर वो अनाथ हो जाता है। सब जानता है वाईपी गुप्ता का ब्रांड लग गया उसके ऊपर में। 10 बरस में जानता हूँ सारे कार्यकर्ताओं, जानता हूँ जो चिराग जी के लिए अपना खून पसीना एक किया है, और वो उन लोगों को छोड़ के वो चले जा रहे हैं वहां। इसका मतलब क्या है? वो बेचारे कहाँ जाएंगे, वहां से उसके थे, क्या आखिर वो क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार दर्शकों, भारत लाइव पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। चुनावी यात्रा की शुरुआत हमने पहले ही कर रखा है। चुनाव में हम जा रहे हैं, 2024 के लोकसभा क्षेत्रों का भ्रमण कर रहे हैं। सीतामढ़ी, सीमांचल, मिथिलांचल के तमाम इलाकों से होते हुए भारत लाइव की टीम अब जमुई में है। जमुई सीट को लेकर आप सबको पता है कि कितना ज्यादा बिहार की राजनीति में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। एक तरफ जहां एनडीए गठबंधन में चिराग पासवान को लेकर काफी चर्चा है, तो दूसरी तरफ महागठबंधन की अगर बातचीत की जाए तो कांग्रेस की दावेदारी यहां से तेज हो चुकी है। और आईपी गुप्ता पान समाज के नेता हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उन्होंने जिस तरीके से राहुल गांधी की यात्रा को सफल बनाया उसके बाद अब अपने गृह क्षेत्र जमुई की तरफ फोकस कर रहे हैं। आज से इनकी यात्रा की शुरुआत हो रही है, तो भाई लाजमी है कि भारत लाइव की टीम भी पहुंचेगी वैसी सीटों पर जिनको लेकर के न सिर्फ बिहार में बल्कि देश की राजधानी नई दिल्ली में भी चर्चा तेज है। हमारे साथ आईपी गुप्ता सर है, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू वेरी मच सर। आज से शुरुआत आपकी हो रही है चुनावी यात्रा की, 100 गाड़ियों का काफिला निकलेगा, मतलब पूरा लग रहा है जमुई को हाईजैक कर लेना है क्या सर? नहीं, जमुई मेरा घर है जी। इसको हाईजैक करने की सवाल ही पैदा, मैं चाहता हूँ लोग मुझे हाईजैक कर ले जी। और ये शुरुआत तो मैंने करीब आज से 12-15 वर्ष पहले कर रखी, लेकिन आपको पता है कि संकट है राजनीति में, और अब 2024 मुहाने पे है। अब किसी भी समय अगले सप्ताह इलेक्शन कमीशन अपने कोड ऑफ कंडक्ट के साथ आ जाएगी, तो एक बार पुनः जम्मू के लोगों के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज कराने और उनसे मिलने का एक मौका मैं खोना नहीं चाहता। और उसमें 2 वजह और भी है। 1 तारीख को राजद के प्रतिपक्ष के नेता, हमारे गठबंधन के नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद जी का प्रोग्राम है, उसके लिए भी हमें कैंपेन करना है। और महागठबंधन का 3 मार्च को पटना के गांधी मैदान में एक महारैली होने वाला है, जिसमें आदरणीय राहुल गांधी जी भी आएंगे, उसका भी हमें कैंपेन करना है। और साथ ही कांग्रेस में हूँ, जम्मू की राजनीति करता हूँ, तो स्वाभाविक है कि लोकसभा के चुनाव में मुझे लड़ने की इच्छा भी है। उसी ये दोनों तीनों चीजों के साथ में आज मैं लोगों में अपने लोगों के बीच में जाने का मन बनाया। अब जमुई की जब बात करते हैं तो चिराग पासवान का नाम सामने आ जाता है, एनडीए गठबंधन का नाम सामने आ जाता है, तो क्या लग रहा है कि आप दावेदारी यहां से कर रहे हैं कांग्रेस के टिकट से? ऐसा नहीं लग रहा है कि चिराग पासवान के सामने कांग्रेस या फिर महागठबंधन टिक पाए? देखिए, मैंने अपने, अगर चिराग पासवान जी का नाम आपने लिया है तो मैंने अपने नेतृत्व को कहा है कि मैं चाहता हूं कि माननीय सांसद चिराग पासवान जी के अगेंस्ट में ही मुझे उतारा जाए, और मेरी दिल की इच्छा है जी। मैं बहुत इंटरव्यू में कहा है कि मैं चिराग जी से आग्रह करता हूं कि आप 10 बरस यहां रहे हैं सांसद, और आपको इस बार भी यहां से छोड़ के नहीं जाना चाहिए और लड़ना चाहिए। और मैं अपने नेतृत्व से कहूंगा कि मुझे, मेरी दिल की इच्छा है कि मैं श्री चिराग पासवान जी के खिलाफ ही लड़ूं जम्मू में, ये मेरी इच्छा है। क्यों, मतलब चिराग पासवान लग रहा है जैसे कि पिछले दिनों हमने उनका वीडियो भी देखा, लोग जाने देना नहीं चाह रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि उनके कैंडिडेट उतरेंगे शायद चिराग के नाम पर जीत जाए? लोग जाने नहीं देना चाहते, बात उसके पीछे वो नहीं है कि चिराग जी से प्यार करते हैं वो जी,
वो ये है कि जब उन्होंने अपना सर्वस्व उनको दिया है चिराग पासवान जी को 10 वर्षों में, जब आप किसी राजनीतिक दल से जुड़ते हैं तो अन्य राजनीतिक दलों से भी उनका आप अलग होते चले जाते हैं और आपकी एक पहचान बन जाती है, और उन कार्यकर्ताओं को छोड़ के चिराग पासवान जी जा रहे हैं दूसरे जगह, तो वो बेचारे कहाँ के रहेंगे? वो तो जम्मू के हैं, उन्होंने आपने आप 10 वर्ष आपके लिए दिया, 10 वर्ष नहीं उसके पहले कब 2 वर्ष और जोड़ दें तो 12 वर्ष आपके लिए दिया है वो, और आप उन लोगों को अनाथ करके जा रहे हैं, वो लोग बेचारे क्या करेंगे? वो उन कार्यकर्ताओं का ये मन है कि आप मुझे छोड़ के जा रहे हैं। तो चिराग पासवान जी को मैं अनुरोध करूंगा कि भाई जो आपके लिए आंसू बहाए हैं वो कार्यकर्ताओं के लिए कम से कम आप इस बार जम्मू से लड़िए और मैं आपके खिलाफ में आना चाहता हूँ। मतलब टक्कर आमने सामने वाला होना चाहिए? नहीं बिल्कुल, मैं चाहता टक्कर होना चाहिए। नहीं, मैं चाहता हूँ, देखिए मेरी एक हमेशा शुरू से एक आदत रही है जी। मैं लड़ाई बड़ा लड़ता हूँ, मैं ये प्रवाह नहीं करता कि अंजाम क्या होगा। वो लड़ाई क्या जिसमें मजा ना आए, उन लोगों से क्या लड़ना, आप उन लोगों से लड़िए जिससे लड़ाई में मजा आए। कहीं ऐसा तो नहीं कि आईपी गुप्ता का नाम सुनते चिराग पासवान भाग गए हो? नहीं, मैं ये तो नहीं कह सकता कि मेरे नाम से भाग गए, वो भी एक बड़े नेता है, एक राजनीतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, मैं तो ये नहीं कहूंगा, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि वो स्थितियां उनके प्रतिकूल नजर आ रही है, उनको अनुकूल नहीं है। अगर वो काम किए होते तो निश्चित तौर पे वो यहाँ से छोड़ के नहीं जाते, उनको मालूम है उन्होंने 10 वर्षों में कुछ भी काम नहीं किया, और जनता उनसे इस बार हिसाब किताब मांगेगी, और वही एक वजह है, वो एक डर है उनके मन में, और उसी डर की वजह से वो समस्तीपुर हाजीपुर जाना चाह रहे। अच्छा, एक सवाल ये है सर कि इतने सालों में जनता ने जमुई के किसी व्यक्ति को नहीं चुना, बाहरी लोगों को चुना है, आपके प्रति कितना विश्वास रहेगा लोगों का? देखिए बात यहाँ बाहरी भीतरी का नहीं है, रामविलास पासवान जी एक बड़े नेता थे जी। वो जिसको चाहते जमुई से लड़ा देते, उनको तो एक फायदा है ना कि रामविलास पासवान जी के बेटे हैं वो दुनिया के किसी भारत के किसी भी कोने में लड़ना अगर चाहते और आदरणीय रामविलास पासवान चाहते तो लड़ जाते, वो एडवांटेज आईपी गुप्ता को नहीं है, और हम जैसे जम्मू के बहुत सारे लोगों के नहीं है, ऐसा नहीं है कि जम्मू में नेता नहीं है, लेकिन पार्टियों ने कभी उस पर भरोसा नहीं दिया, या फिर हम हमेशा सबमिसिव राजनीति करते हैं कि हमें दे दीजिए तो हम लड़ेंगे, ऐसा नहीं है। आईपी गुप्ता ने अपने संघर्ष पे ये मुकाम हासिल किया है, और मैं कांग्रेस ने जो मुझे 3 साल में 4 साल में जो एक सम्मान दिया है और एक स्थान दिया है, उसके लिए मैं हमेशा कांग्रेस, आज मैं अगर इस मुकाम पे खड़ा हुआ हूँ तो हमारे नेता आदरणीय अखिलेश प्रसाद सिंह जी का और कांग्रेस का एक बड़ा योगदान है उसमें। क्या विजन है सर जमुई के लिए, क्या लोगों की सेवा? हमने सुना है सर समाज सेवा में आप काफी एक्टिव रहे हैं शुरू से ही, बचपन के दिनों से, ऑफ द रिकॉर्ड आपके कई करीबी लोग बता रहे थे कि आप लोगों के दुख को मतलब नहीं झेल पाते हैं, राह चलते अगर कोई मिल जाता है कोई दुखिया रहा तो आप उसकी मदद कर देते हैं, तो ये एक बड़ी अच्छी मतलब सोच मुझे लगती है, तो जमुई के लिए क्या विजन होगा जमुई की जनता के लिए? देखिए हमारी मेरा ये यही सोच है कि जब मैं राजनीति में आया तो मैंने एक बात कहा था कि मैं जमुई के साथ राजनीति नहीं करना चाहता, जमुई के लिए राजनीति करना चाहता हूँ, और उसी विजन के साथ आज भी खड़ा हूँ। जमुई के छोटी छोटी चीजें आकांक्षाएं लोग, मुझे लगता है कि आप नौजवानों की बात लीजिए, प्रधानमंत्री जी ने ढेर सारी स्कीम लिखा है नौजवान के लिए, लेकिन धरातल पे कहाँ है? बैंक में आप जाए तो लाखों एप्लीकेशन पीएमजीपी के तहत पड़ा हुआ है, सैंक्शन नहीं हुआ, आखिर हमारे सांसद का क्या रोल है उसमें? अब जो भी स्कीम धरातल पे आती है, ऐसा कौन सा स्कीम है जो हमारे और आपके लिए लागू नहीं है? घर नहीं है तो आवास योजना है, आपको टीवी है तो उसकी उन्मूलन योजना है, पोलियो है, कौन ऐसी समस्याएं, सड़क, बिजली, अस्पताल, ऐसी एक भी समस्या बता दीजिए जिसके लिए सरकार ने स्कीम नहीं निकाला? आखिर ऐसा क्या काम है कि नहीं हो रहा? सारे स्कीम्स हैं लेकिन क्यों नहीं हो रहा है? तो हमारा और जनप्रतिनिधियों का रोल क्या होता है कि भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा संचालित स्कीमों को लोगों तक जन तक कैसे पहुंचा सके, वही तो रोल हमारा होता है। और हमारा ये मानना है कि एक सांसद अगर अपने जीवन काल के 5 साल के जीवन सांसदीय जीवन क्षेत्र काल का अगर 25 करोड़ रुपया खर्चा करता है तो बड़ा आदमी नहीं होता। 25 करोड़ में अपना कोई घर बना लेता है, आप क्या विकास कर पाएंगे? मेरा ये मानना है कि आप 50,000 करोड़ का काम कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, करवा पाते हैं कि नहीं कर पा पाते हैं।
यही मेरी शिकायत है, व्यक्तिगत तौर पे चिराग जी से मेरी कोई शिकायत नहीं, लेकिन जब एक सांसद है मैं उनका वोटर हूँ तो मुझे शिकायत होता है कि आप बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का एक डंका बजाते फिर रहे हैं, उसका एक भी अंश आप मुझे जम्मू में दिखा दीजिए। मैं चैलेंज करता हूं उनको कि बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के साथ हमारे साथ वो कर ले डिबेट। मैं समस्याएं गिना सकता हूं लेकिन उसका रोड मैप क्या है, किसी एक रोड मैप पे जो वो कहते हैं कि कोटा कोटा की बात करते हैं, माइग्रेशन की बात करते हैं, आप मुझे रोड मैप बताइए कि अगर कोटा राजस्थान में है तो बिहार में कोटा स्थापित करने के लिए आपके पास रोड मैप क्या है। अगर माइग्रेट हो रहा है, जम्मू के 35% नौजवान आज गल्फ कंट्रीज में है जी। वो सीजनल माइग्रेट होके अलग अलग शहरों में 35% नौजवान, कहीं कोई राजमिस्त्री है छत से गिरता है मर जाता है, विदेशों में उसकी प्रार्थना प्रताड़ना हो रही है जी। आपने क्या स्टेप लिया उसके लिए? तो सांसद हैज टू बी वन, वो एक क्रिस्टल रोल प्ले करता है अपने लोगों के साथ में। आपको पता है कि हमारे जम्मू के लोगों को आप पीएससी में जाइए तो 200 महिलाएं प्रत्येक महीने प्रसव पीड़ा के साथ में आती है और उसमें 99% एनीमिया का शिकार हो जाती है, वो रेफर कर दिया जाता है जम्मू सदर अस्पताल और फिर यहाँ से प्राइवेट हॉस्पिटल में या कहीं उसको शिफ्ट कर दिया जाता है। और एक गरीब जो पीएससी में जा रहा है जिसके पास 500 रुपया नहीं है और अपने जमीन बेच के अपने घर बेच के प्रसव पीड़ा से निवृत्त होती है, वो मातृत्व लाभ ले पाती है, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? तो चूंकि वो उस दर्द को समझते नहीं जी। वो चीज को जानते नहीं, नहीं। मैं जमुई में हूँ, जमुई का हूँ और जमुई में इतने वर्षों रहने के बाद भी जमुई के चप्पे चप्पे को नहीं जानता, तो वो कैसे 10 वर्ष में जान जाएंगे? मैं चिराग जी सिर्फ एक बात कहता हूँ कि इलेक्शन के बाद आप एक रात वो बता दीजिए जो आप जमुई में गुजार रहे हैं जमुई लोगों के साथ, सिंगल नाइट एक रात वो बता दें कि जमुई में गुजार रहे हैं। मेरी शिकायत यही है उनसे कि हम लोगों ने आपको प्यार किया है, आपको वोट दिया, लेकिन आपने बदले में क्या दिया? जम्मू के 3 माइलस्टोन हमें बता दीजिए कि आपने जम्मू के लिए किया। उन्होंने सर कुछ किया नहीं है तो जनता कुछ दिन पहले उनके लिए रो क्यों रही थी? वही मैं बताया आपको, जनता नहीं रो रही थी, वो उनके कार्यकर्ता थे जो अनाथ अपने आप को फील कर रहे हैं कि वो चले जा रहे हैं, वो किसके साथ जाएंगे? अच्छा, उनके कार्यकर्ता है, वो उनके कार्यकर्ता थे, वो कहाँ जाएंगे बेचारे? उनके कार्यकर्ताओं को दर्द को मैं समझ रहा हूँ, हमारे भी कार्यकर्ता जब मैं चुनाव लड़ा था या लड़ता हूँ, अगर मैं हार जाऊंगा तो बेचारा अपना सर्वस्व देता है ना, फिर वो अनाथ हो जाता है, सब जानता है वाईपी गुप्ता का ब्रांड लग गया उसके ऊपर में, कल किसके पास जाएगा वो? 10 वर्ष मैं जानता हूँ सारे कार्यकर्ताओं, जानता हूँ जो चिराग जी के लिए अपना खून पसीना एक किया है और वो उन लोगों को छोड़ के वो चले जा रहे हैं वहां, इसका मतलब क्या है? वो बेचारे कहाँ जाएंगे? वहां से उसके थे कि आखिर वो क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? आंसू नहीं थे, एक दर्द था जो छलक रहा था का मुझे छोड़ के जा रहा है, दर्द छलक रहा है, बेचारा क्या करेंगे बताइए ना, उनके पर एक ठप्पा लग जाता है ना। हमारे भी कुछ लोग हैं आईपी गुप्ता के लोग हैं कहते हैं, वो स्वाभाविक राजनीति में ऐसा होता है। अच्छा, आईपी गुप्ता जमुई में आएंगे, क्या लेके आ रहे हैं दिल्ली से? अगर जीते हैं टिकट मिल जाता है, लोग भरोसा भी आप पे जता देंगे, तो जमुई के लिए क्या ऐसा कर देंगे खास के बिहार में नाम हो जाएगा? देखिए, मुझे लगता है कि यहाँ के जो बेरोजगार नौजवान है, वो जो माइग्रेशन है, माइग्रेशन जो माइग्रेट करके गए हैं उनके लिए एक अलग सा सेल बनाएंगे अगर जनता हमें देती है, वो चाहे जहां हो, देश हो, विदेश हो, प्रदेश में जहां भी, उनके लिए एक अलग सेल बनेगा, उनके लिए हमेशा रहेंगे। और ये जो रोजगार जो भर जो स्कीमें हैं रोजगार निहित, जो जम्मू के नौजवान भटक रहे हैं यहाँ वहां, उस सरकार के स्कीम में कैसे उनको मैक्सिमम लाभ रोजगारोन्मुख कर सकते हैं वो करेंगे। और मुझे लगता है कि सैकड़ों लोग यहाँ एम्स में एडमिशन कराने के लिए त्राही माम हो जा रहे हैं, अलग अलग शहरों में या पटना के बेचे जा रहे हैं मरीज, उन सारे लोगों के साथ हम खड़े होंगे। और मुझे लगता है कि मैं वो एटलीस्ट इतना जरूर करूंगा उनके दुख दर्द में हमेशा खड़ा पा जाऊंगा। कोई भी आदमी हमारे दरवाजे पे किसी भी समय आ जाएगा, उनको दिल्ली मुंबई और 5-6 लेयर से गुजर के आईपी गुप्ता के पास या अपने सांसद पे जाना नहीं पड़ेगा। और वो जो सबसे बड़ी चीज होगी, वो थाना हो, वो अस्पताल हो,
वो डीएम का कार्यालय हो, मंचल का कार्यालय हो, प्रखंड कार्यालय हो, हर एक आदमी जब वो जाएगा तो सामने वाले ऑफिसर को दिखाई पड़ेगा कि वो आईपी गुप्ता आ रहा है। इतना परिवर्तन तो ला दूंगा और वो सारी चीजें करूंगा जो एक मॉडल लोकसभा बन सके। ये मेरा सपना है कि बिहार में नहीं भारत में नंबर वन बनेगा जमुई अगर मैं बन गया तो। अब मैं बताऊंगा कैसे होगा कि मैं यहां बैठूंगा नहीं, मैं उन सारे नामचीन हस्तियों के पास पहुंचूंगा, चाहे वो अमेरिका में, चाहे टाटा हो, चाहे अंबानी हो, चाहे जो भी हो, चाहे ट्विटर के मालिक हो, एलन मस्क हो, या उनसे से जो भी हस्तियां, वहां तक पहुंच जाऊंगा मैं। और मैं कहूंगा, मतलब आईपी गुप्ता जी का एक विजन है कि एक इंडस्ट्री जमुई में लाके बैठा दिया जाए ताकि पलायन रुक सके, क्योंकि पलायन भी एक बड़ी समस्या है। ये इंडस्ट्री की बात मैं नहीं कर रहा, लेकिन मैं कह रहा हूँ उन सारे हस्तियों को मैं जमुई में जरूर कहूंगा कि मेरा ये गांव है, इसको आप अडॉप्ट कीजिए, मेरी ये समस्या यहाँ ग्रसित हो, उसको अडॉप्ट। आप जरा समझिए कि यहाँ के बहुत सारे ट्रक ड्राइवर हैं जमुई के, जो अलग अलग शहरों में बटर, उनके परिवार में बहुत सारे एड्स के शिकार है। एक गांव में गया था से 4 वर्ष पहले, पूरे पूरा परिवार से शिकार था, उसके लिए क्या कर रहे हैं हम। तो उन सारे चीजों को एक समूह बनेगा जो कि यहाँ जितने भी लोग हैं स्टेक होल्डर्स हैं, और चाहे वो किसी भी जाति का हो, मान लीजिए यहाँ 70% राजपूत है, 70% जादव है, 70% भूमिहार है, 70% ब्राह्मण है, तो उनका जो रोल है प्लानिंग में कहाँ है, उनको तो इन्वॉल्व नहीं किया जा रहा है। तो सारे स्टेक होल्डर को उस प्लानिंग प्रोसेस का हिस्सा बनाया जाएगा। आप आइए, आप मुझे बताइए, मैं आपके नजर से आपके गांव को देखना चाहता हूँ, एक सामूहिक कलेक्टिव प्रयास हो। आप ये कह सकते हैं कि इंक्लूसिव प्लानिंग प्रोसेस के, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के थ्रू जम्मू के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक अंतिम प्रश्न सर, कांग्रेस फाइनल कर चुकी है आपका टिकट? देखिए, जो भी राजनीति करता है, अगर कोई कह देता है कि मेरा टिकट फाइनल है, तो हमको नहीं लगता है कि वो राजनीति को सही तरीके से समझता है। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि टिकट के दौर में मैं एक प्रबल दावेदार हूँ, और पार्टी जो भी निर्णय लेगी वो सर आंखों पे है। लेकिन कांग्रेस निश्चित तौर पे जम्मू में चुनाव लड़ना चाहती है। चलिए, तो देखिए आईपी गुप्ता का विजन और आईपी गुप्ता ने आज जो तैयारियां की हैं उसको लेकर के हमने बातचीत की। सर एक सवाल छूट गया है, आज के कार्यक्रम कहाँ कहाँ पहुंच रहे हैं और आज के बाद अन्य कार्यक्रमों का डिटेल हमारे दर्शकों को बताइए। बेसिकली आज हम लोग यहाँ से हमारे अपने कार्यकर्ताओं के साथ, मेरे बाबूजी के यहाँ से कचहरी चौक पे अंबेडकर जी का मूर्ति है, स्टेचू है, वहाँ जाएंगे, उनको माल्यार्पण करेंगे। वहाँ से मैं अपने गाँव जाऊँगा, बाबूजी की समाधि उन पे माथा टेकूंगा। फिर वहाँ से मेरे गाँव के बगल में, मेरे ही गाँव में पत्नेश्वर शिव मंदिर, वहाँ जाएंगे, भगवान शिव के दरबार में माथा टेकेंगे, पूजा करेंगे, और फिर वहाँ से झाझा जाएंगे, वहाँ अम्बेडकर विचार मंच है, उनके साथ एक संवाद है, और फिर सोनो होते हुए चका जाएंगे अपने लोगों के साथ में, वहाँ खाना खाएंगे, चका के लोगों से मिलेंगे, फिर वापस आएंगे। और कल अलीगंज, सिकंदरा और सिझौड़ी एक गाँव है जो तालाब खोदने में, वहाँ भगवान सूर्य का बहुत पौराणिक या पुराना मंदिर नहीं मिला है, स्टैच्यू मिला है, तो वो बड़ा चर्चा में है। तो वहाँ के लोगों ने मुझे बुलाया था कि हम वहाँ एक मंदिर बनाना चाहते हैं, तो वहाँ भी जाएंगे। कल का कार्यक्रम है, फिर कल रात देर रात पटना के लिए उठूंगा, फिर दिल्ली जाऊंगा। तो आईपी गुप्ता सर थे, इनका तैयारी देखिए किस तरीके से है, जमुई की जनता के बीच रहना है, और जो विजन है वो एकदम स्पष्ट है कि जमुई को देश भर में और यहाँ तक कि विदेशों तक पहुंचाना है, नाम जमुई का सबसे ऊपर में रहेगा। आईपी गुप्ता सर के साथ आज हम रहेंगे, तमाम जो अपडेट होंगे लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली, ओजे को घंटी बा ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700। धन्यवाद।